जब छोले भटूरे की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली का, और अगर दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे की बात हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीताराम दीवानचंद छोले भटूरे का नाम ना आए। और आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के ये आइकॉनिक छोले भटूरे आखिर बनाए कैसे जाते हैं और इनमें वो क्या खास बात है जो इन्हें बाकी सब छोले भटूरों से अलग करती है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं और छोले भटूरों को थोड़ा बहुत भी पसंद करते हैं, इस वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो गाइस अभी यहां पर सबसे पहले छोले बनाने की शुरुआत हो रही है, और पहली चीज तो यही डिफरेंट है कि यहां पर छोले नहीं चने बनाए जाते हैं। तो ये काबुली चने उबाले हुए हैं जिनको अब इन बड़ी बड़ी ट्रे में फैलाकर पंखे के सामने रखा जा रहा है। पंखा चला दिया है और पंखे की हवा में पहले इन्हें अच्छे से ठंडा किया जाएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मिक्सिंग वाली ट्रे में पलट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे अपना ये मसाला तैयार हुआ है, ये लिया जा रहा है। इसके अंदर प्याज होती है, लहसुन होता है, अदरक होता है, ढेर सारे मसाले होते हैं और बहुत सारा तेल होता है। इन सबको पका के तैयार किया जाता है। तो इससे देखिए पूरा इन्होंने जो अपना बड़ा सा बर्तन है ये भर लिया है, अब इसे लेकर आए हैं। अच्छे से सारा मसाला देखिए पहले मिलाया जा रहा है आपस में, और जब इसे मिला लिया है तो इसे लिया गया है और डाला जा रहा है अपना ठंडे किए हुए चनों के ऊपर। तो ढेर सारा ये मसाला देखिए चने के ऊपर डाल दिया है, और उसके बाद इसमें डाला जा रहा है तेल। ये भी पकाया हुआ तेल है जिसके अंदर आपको ढेर सारा अदरक भी नजर आ रहा होगा। तो बहुत सारा ये पका हुआ तेल डाल दिया है, और उसके बाद अब डाला जा रहा है इनका सूखा मसाला। इनके चनों का जो आइकॉनिक टेस्ट है वो इसी सूखे मसाले से आता है। तो ये भी ढेर सारा डाल दिया है, और अब इन सारी चीजों को देखिए आपस में अच्छे से मिलाया जा रहा है। और इन्हें मिलाने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हाथों से मिलाया जा रहा है, वो भी ग्लव्स पहने बिना, जैसे पुराने जमाने में बनाते थे। आज भी ये बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके सारी चीजें इन्होंने बढ़िया तरीके से मिला ली है, और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है अब इसको मिक्सिंग वाली परात से लिया जा रहा है इन भगोनों के अंदर, और ये ट्रांसफर भी हाथों से ही किया जा रहा है, किसी चम्मच या चमचे से नहीं। तो हाथों से इस मिक्सचर को ले लेकर ये बर्तन भर लिया जाएगा, और फिर इसे खाली किया जाएगा इस बड़े वाली परात में शॉप के काउंटर पर, जो कि नीचे से गर्म होती रहेगी। और यहाँ पर इन चनों में मिलाया जाएगा मसालों का पानी, और इनके ऊपर डाल दिया जाएगा ढेर सारा हरा धनिया। तो इस तरीके से यहाँ पर छोले तैयार होते हैं जो कि असलियत में चने होते हैं। लेकिन ये इनका मेन डिफरेंस नहीं है। जो चीज इन्हें बाकी सब छोले भटूरे वालों से अलग करती है वो है इनके भटूरे, जो कि अब बनाए जा रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल भटूरे हैं कि मैदा तोड़ी है, उसके अंदर पनीर और थोड़ी सी फिलिंग भरी है, उसके गोले बनाकर यहाँ से आगे भेज दिए, कढ़ाई में ढेर सारा तेल ले लिया, उसको गर्म किया, इन गोलों से भटूरे बना के अपना तेल में तल दिए और भटूरे तैयार हो गए। लेकिन ये जो भटूरे तैयार हो रहे हैं ये आपको ऐसे ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि यहाँ से इन्हें आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पे इन्हें उठा के ट्रे में लगाया जा रहा है। ऐसे ही जितने भी भटूरे तैयार होंगे सब ट्रे में लगाए जाएंगे, और ये ट्रे यहाँ से उठा के देखिए इधर लगा दी गई है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारी भटूरों से भरी हुई ट्रे रखी है। यहाँ पर ये भटूरे ठंडे होते रहेंगे, और जब ऑर्डर आएगा यहाँ से ये ट्रे ली जाएंगे और इन्हें शॉप पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे तवे के ऊपर इन ठंडे भटूरों को फिर से गर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल भटूरे ना देकर रीहीटेड भटूरे दिए जाते हैं, और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब इन्होंने दुकान की शुरुआत की थी तो ये साइकिल पर छोले भटूरे बेचते थे। उस समय ये घर से ही भटूरे बनाकर ले आते थे और उनको तवे पर रीहीट करके अपने कस्टमर्स को दिया करते थे। वही स्वाद लोगों की जुबान चढ़ गया जो कि आज 50-60 साल बाद भी उसी तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। तो हम भी अपनी छोले की प्लेट लगवा लेते हैं जिसमें नीचे आलू लिया है, ऊपर ढेर सारा चना, थोड़ी सी चटनी डाली है और साथ में अचार, और इसके बाद जो अपने भटूरे थे उनको रीहीट किया है तवे पर, वो दिए हैं साथ में। तो चलिए अब इनको टेस्ट किया जाए। जब मैंने पहली बार यहाँ पे खाए थे 2010 या 2011 होगा शायद, तब भी ऐसा ही टेस्ट था। अब 2023 से 24 आने वाले हैं, अब भी यही टेस्ट है। स्वाद बहुत ही बढ़िया, प्राइस तब से बढ़ते जा रहे हैं, बट टेस्ट इतना अच्छा है कि खींच के यहाँ पे ले ही आता है हमें। मेकिंग मैंने आपको दिखा दी, उसे देख के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इसकी मेकिंग कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।